भागलपुर शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय में संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हर चौक चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट को दुरुस्त किया जाए, उल्टा पुल एवं विक्रमशिला पुल पर लग रहे जाम पर विशेष बल देकर इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का कार्य करे। साथ उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे बने अवैध तरीके से चल रहे दुकानों पर भी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि बीते दिनों विक्रमशिला पुल पर महाजाम लग गया था, जिसमें हजारों लोग घंटों परेशान हुए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर में यातायात व भीड़ भाड़ से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी की बातों पर कहां तक अमल हो पाता है और लोगों को कब तक सुविधा मिल पाती है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी, DDC कुमार अनुराग, SSP आनंद कुमार, SDM अशोक कुमार, SDPO शिवानंद सिंह, अर्जुन कुमार गुप्ता, BDO अभिमन्यु कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान स्कूल के बच्चों से बातचीत की तथा उन्हें कक्षा में पढ़ाई की विशेष गुणसूत्र और अनुशासन में रहने को भी बताया। साथ ही वैसे बूथ जहां वोटिंग का प्रतिशत कम रहा उन बूथों पर वोटरों से मिलकर वोट करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही वोटरों से जाना कि आखिर क्यों वोटिंग प्रतिशत कम रहती है। साथ उन्होंने अपील किया कि परिवार के सभी लोग बूथ पर आकर अपना मतदान करें। मतदान करना आपका अपना अधिकार है। 26 अप्रैल को लोकसभा आम चुनाव है, जिसके तहत हम लोग विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। खास करके ऐसे बूथ जहां पे कि वोटिंग प्रतिशत काफी कम था, वहां के वोटर से हम जानना चाह रहे हैं कि किस कारण से वोटिंग प्रतिशत कम था। उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, उन्हें कोई डरा धमका तो नहीं रहा है, कोई खास व्यक्ति तो उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। और उन सभी लोगों से मैं मोटिवेट कर रहा हूं कि बूथ पर 26 अप्रैल को आ करके सभी लोग, परिवार के सभी लोग जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग आ करके वोट करें। इसी पर्पज़ से मैं SSP साहब, हमारे DDC, STO, SDPO और पूरी टीम हम लोग क्षेत्र में घूमा करते हैं। विद्यालय का निरीक्षण में जो बच्चों से हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों को आम क्या समस्याएं हैं, बच्चों ने कुछ समस्याएं बताया है, कुछ शिक्षकों की कमी बताया है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न चरणों में शिक्षकों की काफ़ी कमी को काफ़ी दूर भी किया गया है और हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसे शीघ्र ही शिक्षक भर्ती परीक्षा से यहाँ शिक्षक मिल जाएंगे। दूसरा कि कुछ कुछ छोटे छोटे इश्यूज थे जिसको कि मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा है उसको रिजॉल्व करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग और भी विभिन्न मदों से विद्यालय। ये आदर्श बूथ है सर, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं पता चला? आप ये तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं फ्लैटली डिनाई करता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ शौचालय नहीं। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा आज पॉक्सो एक्ट पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन बाल संरक्षण इकाई की ओर से भागलपुर के भीकनपुर के पास एक निजी होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी व SSP ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल संरक्षण के सभी आयामों को पूरा करना और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर मानसिक प्रताड़ना किसी भी तरह से नहीं दी जाए, इस पर वार्ता की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर गलती करते हैं तो उसे सजा दे, लेकिन उनका नाम कहीं भी प्रकाशित ना करे, इससे उनमें और उग्रता बढ़ती है। साथ उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वस्थ मानसिकता फिर से उत्पन्न की जा सकती है। हम लोग समझते हैं कि छोटा इंसान है वो छोटा इंसान नहीं, बच्चा बच्चा है। दूसरी बात, साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो इंटेलिजेंस है वो दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, कि पूरे ह्यूमन लाइफ के इंटेलिजेंस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक बोलते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि पानी, फ्लूइड मतलब क्या हुआ, पानी की तरह। तो पानी की तरह उसको जिस बर्तन में रखिएगा वैसा ही हो जाएगा। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में बोलते हैं कि जब क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है उसके बाद उसको बदलना मुश्किल होता है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस का जो एज है वो लगभग 16 वर्ष तक माना गया है कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का एज। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। क्रिस्टल का मतलब हुआ सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, फिर उससे बदलने में थोड़ी असुविधा होती है। इन सभी चीज़ों से गाइड होकर के या बहुत सारे रिसर्च से गाइड होकर के जो हम लोगों का बाल संरक्षण की पॉलिसी बनी,
कि किस तरीके से डिफरेंट एक्ट बने हैं, उसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट है। जो कभी इंटेंट होता है एक्ट का, या कई चीज़ें होती हैं वो एक्ट में लिखी नहीं होती है, लेकिन इसके पीछे कारण है। अब मतलब क्या हुआ कि यदि 16 वर्ष से कम उम्र के या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि कोई क्राइम करता है, तो हमने आपको समझा दिया वो फ्लूइड है, आप उसको फिर से अच्छे बर्तन में डाल दीजिएगा, उसका शेप ले लेगा, उसके एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत है। वो पनिशमेंट, वो गलती किया है, लेकिन गलती क्योंकि हम परिवेश में आकर के गलती किया है, हो सकता है भावना में आके गलती किया हो, तो उन बच्चों को संवारने की जरूरत है, उसको अच्छे शेप में डालने की जरूरत है, अच्छे एनवायरनमेंट में डालने की जरूरत है, उसे अच्छे बिहेवियर की जरूरत है। अभी जैसा कि डीएलएस सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि हम लोगों को नाम रिवील नहीं करना है, यदि कोई क्राइम करता है छोटा बच्चा कर लिया तो नाम रिवील नहीं करना, नाम नहीं बताना है। वो क्या होता है, एक बार उसको शहर में लोग घूरना शुरू कर दें उसके नाम से, या उसको नाम से बुलाना शुरू कर दें कि भाई ये बच्चा फलाना क्राइम किया है, तो फिर उस चीज़ को वो रिकवर नहीं कर पाएगा जो रिकवर कर सकता है। अभी जैसे डीएलएसए सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि विधि विरुद्ध जो बालक होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र में कोई अपराध कर लिया, बहुत ही गरीब तबके के होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना खुद का लॉयर हायर कर सकें, अपना वकील रख सकें। उसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा और कार्यक्रम के आयोजकों से भी रिक्वेस्ट होगा कि एक मोबाइल नंबर आप लोग को लिखवा दें, जो डीएलएसए सेक्रेटरी साहब उनके किसी पदाधिकारी का होगा, कि अगर किसी केस में अगर वह लॉयर हायर करने की क्षमता नहीं रखते हों उनसे बात करके। और यहाँ पर डीएलएसए का सेटअप बहुत बड़ा है और हाल के दिनों में यह और भी बड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे लॉयर्स रखे गए हैं, ऐसे लोग जो कि लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपना हायर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर उनको पैनल लॉयर्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि उनकी तरफ से उनके बिहाफ से अदालत में उनका पक्ष रखें। 70 से 80 बच्चों को जो है एक सलाह दिया गया, विधिक सलाह दिया गया हमारे लीगल एड क्लिनिक के द्वारा, 5 से 6 बच्चों को जो है विधिवत जो है कि पैनल लॉयर उपलब्ध कराया गया है। तो जितने CWPO हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है जो है कि ये DLSA की इस संस्था का फायदा उठाया जो है, यूज करें जो है, इसके साथ ही हर थाने में जो है एक PLP नियुक्त है जो बचपन बचाओ आंदोलन के अभियान की तरफ है जो है, और उनकी ड्यूटी है कि जो है जहां बच्चे कहीं मिसिंग है उनके एरिया में जो है, तो उन बच्चों की सूचना डीएलएसए को उपलब्ध कराएं जो है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर जिले में देर रात से हो रही लगातार बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा नुकसान दलहन और तिलहन की फसल को हुआ है। बारिश में जहां चना, मसूर और मटर के फसल को नुकसान पहुंचा है, वहीं सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की खेती करने वाले किसानों को हुआ है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सरसों के कुछ किसान तो अपने खेत में लगे फसल को कच्चे में ही काटने लगे हैं। सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार में किसानों का साफ कहना है कि उन्होंने महाजन से सूद पर पैसा लेकर खेती की थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और वो सभी अपने कच्चे फसल को ही काटने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि महाजन को भी पैसा लौटाना है। वहीं कई किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्यों फसल कच्चे में काट रहे हैं? इसलिए कि कल से बारिश हो रही है और सूद लेकर के जो है कि फसल लगाए हैं और ये फसल बर्बाद हो जाएगा तो हमें कुछ मुनाफा नहीं होगा। जो भी पैसा होगा तो महाजन को चुकता करना पड़ेगा। तो इसलिए कच्चा में ही काट रहे हैं? इसलिए कच्चे में काट रहे हैं। नहीं है, रात से बारिश हो रहा है, चना, मसूर, मटर सब पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों को सरकार मुआवजा दे, नहीं तो हम लोग खुद ही सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। क्यों आत्महत्या कीजिएगा? सब बर्बाद हो गया, चना, मने मसूर, मटर सब जो है बारिश के चलते बर्बाद हो रहा है। कितना परेशान? अरे हम लोग कर्ज लेकर के खेती किए थे और पूरा परेशान है। सरसों भी खत्म हो गया, चना भी, मटर, मसूर, क्या करें हम लोग? सरकार से क्या चाहते हैं? मुआवजा चाहिए। परेशान है, रात से बारिश हो रहा है, रेचा खत्म हो गया है, बूट खत्म हो गया, मौसरी खत्म हो गया, सब फसल नाश हो गया है। हम लोगों को सरकार से मुआवजा चाहिए। महाजन से पैसा लेके खेती किए थे, महाजन अब तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए हमको सरकार से मुआवजा चाहिए। दस बीघा था रेचा और मौसरी था, बूट था, सब फसल बर्बाद हो गया। सब फसल बर्बाद हो गया। अंग क्षेत्र की प्रसिद्ध मंजूषा कला अब देश के कोने कोने में पहुंच रही है और लोग इस कला को सीखने को उत्सुक हो रहे हैं। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद में मंजूषा कला प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया। वही कार्यशाला आयोजित करने के उपरांत कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन मध्य प्रदेश के द्वारा मंजूषा गुरु मनोज पंडित को सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला में मंजूषा गुरु मनोज पंडित और अमन सागर कदरा जीडी विमेन्स कॉलेज और ललित कला संगीत एवं नाट अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रतिभागियों को मंजूषा कला की बारीकी को सिखाया गया। सभी प्रतिभागियों ने उत्साहित होकर मंजूषा कला की बारीकी को लग्न के साथ सीखा। कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि मंजूषा कला गुरु मनोज पंडित और उनके सहयोगी अमन सागर ने बच्चों को इसकी जानकारी दी, इससे हमारे बच्चे काफी उत्साहित है, इसलिए इससे बड़ी कार्यशाला का आयोजन कर वो प्रदर्शनी लगाकर आमजनों को मंजूषा कला की बारीकियों को बताया जाएगा और इसका कैटलॉग भी कॉलेज में तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कला दीर्घा में मंजूषा कला को अलग से स्टॉल लगाया जाएगा। इस कार्यशाला सह प्रशिक्षण में कुल 30 प्रतिभागी भाग ले रहे थे। इसी क्रम में विक्रम उत्सव के व्यापार मेला में भी मंजूषा कला की प्रदर्शनी लगाई गई। भागलपुर की गौशाला से आज खाटू श्याम की भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे निशान शोभा यात्रा में शामिल हुए। निशान शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जो पूरे शहर का भ्रमण किया। निशान शोभा यात्रा में आकर्षक ढंग से रथ बनाकर भगवान खाटू श्याम को फूल माला के साथ सजाकर गाजे बाजे के साथ भक्त चल रहे थे। जगह जगह पर निशान शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। Thank you.